प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और श्रुति स्मृति इसके माध्यम से हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा सा इससे कुछ अलग हो सकता है। और इसके पहले कि हम उस विषय पर आएं, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है टेलीविज़न के निचले हिस्से पर, 7000-969-440। तो आप अपनी रिएक्शंस हमको ज़रूर भेजें इस व्हाट्सएप नंबर पर। और कार्यक्रम जब समाप्त होता है तो ईमेल आईडी भी आपको एक नज़र आता है, आप उस पर भी अपनी रिएक्शंस हमें भेज सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता का जिक्र हमने पहले भी किया है, जैसा मैं आपको बताता ही निवेदन करता रहता हूँ कि मेरे प्रिय कवि हैं। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। दृग यानी आँखें, दृग देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। तम यानी अंधेरा, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन होता है डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। आखिर उस पार जाने से हम लोग इतना क्यों व्यथित होते हैं? एक जिज्ञासु दर्शक का प्रश्न कुछ इसी भावभूमि पर है। उनका कहना है कि शरद जी, विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के सामने निवेदन रखिए कि क्या ये स्मृतियां ही हैं, ये यादें ही हैं जो इस संसार में हमें अटका कर रखती हैं? क्या ये यादें हैं जो हमारा हाथ नहीं छोड़ती अंतिम समय तक? ये कर लेता, ये हो जाता, वो देख लेता। वो कहते हैं कई बार मन कहता है कि छोड़ दें यादें, पत्नी अंतिम समय में ही सही, पति से पहले विदा हो गई लेकिन पति उसकी फोटो पर ही अटका है। 25 साल पहले दिवाली पर ये साड़ी खरीदी थी तो हम दोनों कितने खुश थे। अपने पोते के साथ फोटो जो अमेरिका में है उसको देखकर अटका है, या किसी भी किस्म की स्मृति है, कोई भाव अटक गया है कि ये नहीं कर पाया। और ये यादें जीवन के अंतिम समय में क्या हमारी विदाई को बहुत कठिन बना देती हैं, बहुत मुश्किल बना देती हैं? और इन यादों से क्या पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? कुछ बीमारियां होती हैं, डिमेंशिया, स्मृति लोप, अल्जाइमर, जिसमें आपकी स्मृति या मेमोरी का हिस्सा दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करके उसको समाप्त कर देता है, और वो व्यक्ति अपने ही लोगों के बीच अजनबी हो जाता है। इन्हीं दर्शक ने, जिन्होंने इस जिज्ञासा को उठाया, उन्होंने कहा शरद जी बड़ी विचित्र बात है। उन्होंने कहा कई बार मन करता है कि वृद्धावस्था में हमें डिमेंशिया हो जाए, सब निकल जाए जो कुछ था, कि मैं बड़ा धनाढ्य था, बड़ा कमज़ोर था, गरीब था, अच्छा था, बुरा था, ये सब वॉश आउट हो जाए। वैसे तो कर नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई बीमारी ही कर दे तो मन बड़ा संतुष्ट हो जाए। देखिए मनुष्य का मन कहाँ कहाँ जाता है। तो ये स्मृतियाँ क्या वाकई संसार से हमारी विदाई में बड़ी बाधक हैं? इस पर हम अनेक अनेक स्वरूपों में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर इसको नए स्वरूप में और इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ हैं भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आपने, यद्यपि इस विषय पर बड़ी गूढ़ चर्चा हमारी पहले हुई है, लेकिन आज आपके रखने का अंदाज नया है, इसलिए इस पर कुछ नए ढंग से हमें बात करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में हम, यदि उन शब्दों के एक ही अर्थ ले लें तो हम कई बार अनुकूल को प्रतिकूल और प्रतिकूल को अनुकूल मानते हुए चले चलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मोह से मुक्त हो गए अर्जुन क्योंकि उनकी स्मृति जागृत हो गई। जी जी जी
ये बात आपने जी ध्यान रखिएगा, हमारी चर्चा हुई थी मोह से मुक्त हो गए अर्जुन क्योंकि उनकी स्मृति जागृत हो गई। अब देखिए, एक तीन शब्द में आपके पास व्यक्त कर रहा हूं, एक है याद, एक है स्मरण स्मरण और एक है स्मृति जी। याद, ये तीनों शब्द जो है और स्मृति, याद बोल चाल की भाषा का शब्द है जी, चलायमान लोकाचार का शब्द है। याद का अर्थ होता है, आदमी कहता है आप भूल तो नहीं जाओगे, मुझे याद रखोगे ना, अर्थात वो भूलने के विरुद्ध में है, वो भूलने के विरुद्ध में है। इसलिए लोग कहते हैं इनकी याददाश्त बहुत गहरी है, इन्हें बड़ा याद रहता है, ये भूलते कम है, अर्थात वो आपके मेधा बुद्धि का परिचायक हो सकता है कि आप गतिशील हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों से जैसे ही मिलो नमस्कार करो तो वो तुरंत देखने लग जाए, अच्छा अच्छा मोहन तुम कब आए। अब वो मोहन गदगद हो गया कि वर्षों पहले मैं इनसे मिला था, मुझे देखते ही ये पहचान गया कि मोहन कब आए। वो उनकी स्मृति नहीं है लेकिन वो उनकी बुद्धि कौशलता और मेधा बुद्धि का परिचायक है। याद रखा जाता है भूलने के लिए, याद रखा जाता है भूलने के लिए। हाँ हाँ, आप ध्यान रखिए। अरे वाह, आप मुझे बताइए आपके जीवन में कितनी यादें जुड़ी है, कितनी भूलते हैं। इसका मतलब ये है कि याद की पुनरावृत्ति होते रहती है, नई यादें बनते रहती, पुराने यादें चली गई, नई यादें आ गई। दूसरा है स्मरण। स्मरण में हमारी समस्या गत से विगत हो जाने की होती है, गत से विगत हो जाए, विगत हो जाने की, गत हम भूल जाएंगे तो इसलिए वो गत जो है स्थाई छाप के साथ हमारी मस्तिष्क पटल पर छाड़ जाता है, वह स्मरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्मरण आसक्ति का प्रतीक है, स्मरण में आसक्ति होती है। स्मरण आप किसी न किसी काम से करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, आज तुम्हारा स्मरण हो आया क्योंकि मुझे ये काम हो आया। तो स्मरण जो है, देखिए शाब्दिक मीमांसा का एक अलग कुतूहल और आनंद है, तो स्मरण में आसक्ति है और इस आसक्ति के विरुद्ध हो जाए तो स्मरण से ही सुमिरन बनता है। सुमिरन परमात्मा का किया जाता है, उसमें आसक्ति नहीं है। जब भी आप आसक्ति से यानी गत से विगत हुए तो आप सुमिरन करने लगे और गत में अटक गए तो स्मरण हो गया, और स्मरण जो है किसी न किसी प्रलोभन से किसी न किसी याद की गहराई पे पहुंच जाते हैं तो वो स्मरण भी बन सकता है। जब वो याद बार बार आपको मिलने लगे, जब वो याद बार बार आपको सताने लगे, जब वो याद स्वप्न बन जाए तो स्मरण बन जाए। स्मरण बन जाती है। स्मृति के साथ बात अलग है, स्मृति जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलती है, स्मृति जन्म जन्मांतर तक चलती और स्मृति ही कर्माशयन उत्पन्न करती है। कर्माशयन का अर्थ होता है फल से बीज उत्पन्न कर देती है। फल तो झड़ गया, फल खत्म हो गया, लेकिन आपने जो फल खाकर वो बीज को थूका था वो बीज कहीं पड़ा हुआ फिर से फल बन गया। ध्यान रखिएगा, तो ये स्मृति जो है आपके प्रारब्ध से जुड़ी होती है, ये स्मृति आपके अंतःकरण को प्रभावित करती है, ये स्मृति आपके मन को विरक्त नहीं होने देती। इसलिए जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो कहते हैं मैं भूल ही नहीं पाता, क्योंकि ये स्मृति स्थायी आसक्ति बनकर उनके साथ है। जब मृत्यु के समय भी ऐसा व्यक्ति होता है तो वो सारी स्मृतियां शेष उनके पास आ जाती है। मतलब ये याद और स्मृति नहीं, आसक्ति है, आसक्ति का एक घनत्व वाला रूप है ये स्मृति। स्मृति का विरक्ति वाला रूप कौन सा है, पहले वो कह रहे हैं मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई, यानी प्रारब्ध कर्म आपके जागृत हो गए, संस्कार विलुप्त हो गए और आप सुमरण के पथ पर चल गए, तो आपको जन्म जन्मांतर की उस विचार वाली स्मृतियां जागृत हो गई, ये श्रुति स्मृति वाली स्मृति जागृत हो गई। लेकिन ये जो स्मृति आप शब्द का उपयोग करते हैं ये मूल रूप से आपके संस्कार हैं जिसके साथ जीवन बिताया, जो पल पल आपका ध्यान रखती रही। बिल्कुल, महतारी की स्मृति कभी नहीं जाती, महतारी का स्मरण नहीं किया जाता, महतारी सुमिरन तत्व है। जैसे परमात्मा का सुमिरन करते हैं वैसे अपनी जननी का सुमिरन करते हैं। एक और बात बताऊं, अब थोड़ा विज्ञान के हिसाब से भी बात कर लें स्मृति पर। स्मृति का संबंध आपकी सुषुम्ना नाड़ी से होता है, इला पिंगला और सुषुम्ना, तीन नाड़ियां वर्णित है, योगी इन पर अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। सुषुम्ना को जागृत करने का अनंत प्रयत्न करते हैं। सुषुम्ना दो ही समय जागृत अवस्था में होती है, सहज रूप से आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, एक आपके जन्म के पूर्व, एक आपके मृत्यु के समय बाद, ये सहज भाव से जागृत हो जाती है।
बड़ा विचित्र है, वेद सबका वर्णन करता है, ध्यान रखिएगा। गर्भस्थ शिशु की सुषुम्ना खुली होती है, इसलिए उसको जन्म जन्मांतर की स्मृतियां होती है, वो उल्टा लटका हुआ, इसलिए गर्भ को जो है आचार्य शंकर कहते हैं ना, पुनरप जनरम पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे शरणम बज गोविंदम बज गोविंदम, फिर से उल्टा लटकना पड़ेगा तेरे को। ये बड़ा कष्ट का काम माना जाता है, जन्म जो है दोनों के लिए अत्यंत कष्ट का काम है, महतारी के लिए भी और भीतर बैठे हुए शावक के लिए भी, शिशु के लिए भी। वो अबोध जीव जैसे ही चेतना उसमें विद्यमान होती है और जैसे ही वो स्वरूप लेना शुरू करता है, तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी जो मस्तिष्क, इसीलिए जन्म लेने वाले बालक का ये पोला होता है, आपने देखा होगा ऊपर, वो सुषुम्ना नाड़ी उसकी वहाँ गर्भ अवस्था में खुली होती, उसको सब याद आते रहता है, मैंने कौन को, उस समय स्मृतियाँ याद आती है कि मैंने क्या क्या कर्म किए। तभी हम कहते हैं ये मुस्कुरा रहा है, कोई स्वप्न देख रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या नहीं, अभी उस पर विज्ञान पूरा हो रहा है। अब आप देखिए, वो वहाँ सोचता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए कि फिर से कर्माशयन में उन स्मृतियों को लेकर मुझे जन्म लेने लगा, क्योंकि मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। अच्छा 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 जी, यही मति है, स्मृति की मति जी, जिसको सोचते सोचते आप जाते हैं, आपका आपको तो एक गहरी नींद आ जाती है, जागते हैं तो वही होते हैं जो सोचते हैं, फलश्रुति तुरंत मिल जाती है, आप तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं जहां सोच रहे होते हैं। तो जैसी आपकी मति होती है वेद कहता है, वैसी आपकी गति हो जाती है। तो इसलिए स्मृति को नष्ट कर देते हैं कि नष्ट हो जाए परमात्मा की कृपा से, तो कम से कम आप सदगति को प्राप्त कर लें। लोग बोलते हैं इनको सदगति मिल गई, सद का अर्थ होता है सत्य, सत्यलोक की यात्रा करें, ब्रह्म में मिलना है। तो वो वहाँ सोचता है, देखो मैंने क्या क्या कर्म किए, मुझे कितना समझाया था घर के लोगों ने, परिवार ने, सत्संगियों ने, लेकिन मैंने नहीं माना और फिर मुझे ये गर्भ के झंझट में आना पड़ा। तो वो गर्भ में जीव जो है भीतर जलमग्न सा लेटा हुआ, नाना प्रकार के दुखों को झेलता हुआ, सुषुम्ना नाड़ी के मुक्त होने के कारण सारी स्मृतियों के साथ रहता है। अब आप यहाँ थोड़ा रुकें और ध्यान करें, जैसे ही प्रसव के समय एक झटके से उसका जन्म होता है, तो उस झटके से इला पिंगला के साथ सुषुम्ना मिल जाती है और सुषुम्ना की मुक्ति चली जाती है। तो वो एक निर्जीव सा बाहर आता है, रुदन करने लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, फिर माया की गोद में आ जाता है, सब भूल जाता है, फिर सब भूल जाता है, तो वो बिल्कुल अबोध हो जाता है और रोने लगता है, रुदन करने लगता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या हो गया, क्योंकि वो तो सारी स्मृतियां चली गई ना उसकी, तब तक याद थी जब तक गर्भवास में था। और जिस झटके से वो बाहर निकलता है, उसी झटके से सुषुम्ना का द्वार बंद हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी भीतर इला और पिंगला के साथ गुथ जाती है। ऐसा नहीं है, वेद सारे सिद्धांतों पर चिंतन करता है। अब देखिए, जीवन जीता है पूरा, संसार में नाना प्रकार के संबंधों को बनाता है, जीवन जीता है। अब मृत्यु के समय की स्थिति देखिए, जब मृत्यु की वेदना आती है और प्राण जो है उदान मार्ग से निकलकर सुषुम्ना को स्पर्श करते हुए जब झटके से बाहर जाता है, तो उस झटके से फिर सुषुम्ना खुल जाती है उसकी और उसको शरीर छोड़ने के बाद सारी स्मृतियां फिर ध्यान आ जाती हैं, जिसके आधार पर उसका जन्म होता है, जिसके आधार पर उसका जन्म सुनिश्चित होता है, क्योंकि जैसी मति वैसी गति, अमति खुल गई है। इसको भौतिक रूप से प्रमाणित करने के लिए भी कपाल क्रिया की जाती है। कपाल क्रिया का अर्थ वहीं किया जाता है जहां सुषुम्ना नाड़ी होती है, कि ना खुली हो तो खोल ले, देख ले ये पुत्र जो है आग लगा रहा है, आया था ना यहां। जिस बालक को ये पिता कांधे में घुमाए, वही बालक कांधा देकर अपना फर्ज निभाए और जीवन भर रक्षा करे और पुत्र को आँच ना आए, और वही बालक शमशान में पिता को आँच दिखाए, तो वो सुषुम्ना सब देखती, ओ फिर से ये काम गड़बड़ हो गया था मेरे से। फिर वो अपनी स्मृतियों को सोचता है कि इस बार तो मैं अपनी स्मृतियों का नाश करूँगा। तुम जिन संबंधों के लिए रो रहे हो, वो सारे संबंध शरीर के हैं, शरीर में ही याद है, शरीर में ही स्मरण है और शरीर में ही स्मृति है। बहुत सुंदर सूत्र है, सारे संबंध शरीर के हैं, केवल शरीर के हैं आपके संबंध। तो आप शरीर के लिए रोते रहते हैं और शरीर के संबंधों के लिए रोते रहते हैं। ध्यान रखिए,
और ये शरीर तीनों के लिए तो रोता है, याद में भी रो सकता है, स्मरण में भी रो सकता है, स्मृति में भी रो सकता है, लेकिन इन तीनों के बाद जो चौथी चीज महत्वपूर्ण है वो कर ले तो इन तीनों से मुक्ति हो जाएगी, सुमरन। वो कर ले भैया, वही मिसिंग है, वो चीज जो है वो, उसको सुमरन कहाँ आता है? उसको सुमरन आता है गर्भ में, उसको सुमरन आता है शरीर त्यागने के बाद जब सुषुम्ना जागृत होती है, क्योंकि सुषुम्ना के जागृत होते ही माया के सारे बंधन कट जाते हैं। तो ये वैदिक श्रुति स्मृति की बातें अध्यात्मता कहने में अच्छी लग सकती है, श्रवण में भी अच्छी लग सकती है, लेकिन क्रियान्वयन में सबसे कठिन है। इसीलिए तो गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा तपस्वी माना गया है। गोस्वामी जी, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, बड़ा समीचीन प्रतीत होता है ये प्रश्न। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि यादों से पल्ला झाड़ना अत्यंत निष्ठुरतापूर्वक किया गया कृत्य है, कि जिस माता को मैं याद करता हूँ अब कैसे मैं उनकी स्मृति से विलग हो जाऊँ। आपने हालांकि बहुत सुंदर सूत्र दिया हमको कि ये सारे संबंध जो हैं शरीर के हैं। क्या 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 मतलब इसको, जो लोग ये मानते हैं कि यादों से विलग होना निष्ठुरता पूर्वक किया गया कृत्य, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं, क्या यादें मधुरता ही हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यादें नहीं, इसका दूसरा स्वरूप लीजिए, यादें मधुरता के साथ ही हैं, जहां आपके संबंध थे वहीं यादें। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब संबंध हैं क्या? हाँ। संबंध किसके थे? शरीर के थे, वो तो चला गया शरीर छोड़ करके। तुम पकड़े रहो ना, तुम खूंटे से बंधे रहो ना, तुम अपनी दिनचर्या उसी में बिताते रहो ना, तुम वहीं खड़े हो जाओ ना, तो तुम्हारे खड़े होने से दुनिया थोड़ी खड़ी हो गई। कुछ दिन एक पुत्र जो है अपने पिता के साथ अपनी महतारी को याद करता रहेगा जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, विवाह होने के बाद वो पत्नी में रम जाएगा, फिर माँ एक स्मृति में शेष रह जाएगी उसकी। कुछ दिन जो है एक पिता भी जो है अपनी पत्नी को याद करते रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक जठराग्नि नहीं होगी। भूख तो लगेगी ना आपको, प्यास तो लगेगी ना आपको, देखना तो है ना कि घर का दरवाजा लगा है कि नहीं लगा है, कौन देखेगा? हाँ, उन दरवाजों को लगाते समय आपको उनकी झलक मिलेगी, ऐसे ही दरवाजा लगाने आ जाया करती थी, ऐसे ही बेटे के लिए आ जाया करती थी, ऐसे ही खटखटाने लगती थी, ऐसे ही कहने लगता था। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आपकी केवल एकाग्रता को छिन्न भिन्न कर रही हैं और कुछ नहीं, यथार्थ है। आप बहुत याद समेट कर चले जाओ ना, लोगों ने क्या किया है, श्मशान भूमि में बड़े बड़े मंदिर और मठ बना दिए हैं, बड़ी बड़ी अगर आपकी आपको वास्तव में उनकी स्मृति है तो आप उनके न रहने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें तो उससे याद भी गत से विगत हो जाएगी, स्मरण भी मीठा लगने लगेगा और फिर आपकी स्मृति का नाश अपने आप होने लगेगा। बहुत सुंदर, आप करें ना वो काम। इसी बिंदु पर हम विराम देते हैं इस चर्चा को। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि स्मृति का जो स्वरूप है वो सुमिरण तक जाना चाहिए, और आसक्ति में उलझकर हम उसे प्रेम नाम जरूर देते हैं, अनन्य प्रेम करता हूँ, लेकिन वो प्रेम से अधिक आसक्ति है, माफ कीजिएगा, सुनने में बुरा लगेगा, क्योंकि आप अटके हैं उन्हीं चीज़ों में कि कैसे वो भोजन कराती थी या कराते थे, कैसे वो बाज़ार हम साथ जाते थे, कैसे झील के किनारे घूमते थे, ये उस शरीर का प्रेम। अगर आप उनके सूक्ष्म तत्व से जुड़े हैं तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये झील के किनारे ये जो हवा का झोंका था ये तो उनकी खुशबू दे गया, ये तो ऐसा लगा वही गुजर गए बगल से। और जो बहुत सुंदर बात डॉक्टर गोस्वामी ने कही है कि आप उनके अधूरे कार्यों को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं जी शरद जी आपको जी। बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि मुझे गरुड़ पुराण की बात याद आ गई। ऋषियों को मालूम था कि हम इस शोक में पड़ जाएंगे और ये स्मृतियाँ हमें जो है बेचैन करके रखेंगी, इसलिए आपने देखा होगा कोई रोने लगता है जब किसी का निधन होता है और कोई बहुत रो रहा होता है और शव यात्रा की तैयारी चल रही होती, तो समझदार और बुजुर्ग उनसे ये भी तो कहते हैं नहीं रोनी, उनकी आत्मा दुखी हो जाएगी, उनको दुख लगेगा, बेटा तुम्हारी माँ को प्रसन्नता से विदा करो हर काम। तो गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि यहाँ बैठा हुआ जीव, यहाँ बैठे हुए जीवंत प्राणी
जब उस जीव के लिए विलाप करते हैं उन 13 दिनों की यात्रा के मध्य में, जिसकी सुषुम्ना नाड़ी खुल चुकी है और जो संसार से विरक्त हो गया है और आप रुदन और आसक्ति में पड़े रहते हैं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो कम से कम आप इस सिद्धांत का पालन करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ से चला गया वो देवत्व हो गया, देवी देवता बन चुके हैं, आप उनके द्वारा बताए हुए, उनके द्वारा छोड़े हुए कार्यों का संपादन करें और प्रसन्नता से जीवन करें, क्योंकि आप भी यात्री हैं, कोई पहले चला गया कोई बाद में जाएगा। बहुत सुंदर बात है। और अमिताभ बच्चन साहब का एक बड़ा खूबसूरत विज्ञापन है जो मुझे भी बहुत प्रिय है, जिसमें वो अपने माता पिता की तस्वीर को देखते हुए ये कहते हैं कि माता पिता कहीं जाते नहीं, कहीं वो मुन्नू की नाक में झमकते हैं, कहीं वो चुन्नू की आंख में झलकते हैं। कौन कहाँ जा रहा है? आप भी तो अपने अक्स को देखिए। आप अपने प्रपितामह से मिलते हैं, दादी बोल देती थी कि तुझे देखकर दादा याद आ जाते हैं, ये परंपरा चलती रहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कुछ भी नष्ट कहाँ हो रहा है, शरीर तो नष्ट होना ही है। जैसे आपके घर का कोई भी नाशवान तत्व, चाहे वो कांच का हो, स्टील का हो, गाड़ी हो, वाहन हो, घर हो, सब नष्ट ही तो होता है। और इसी तरह शरीर नष्ट होता है, शरीर भी एक मिट्टी से बना है। लेकिन जो नष्ट नहीं हो रहा है उससे हमारा जुड़ाव नहीं है, क्योंकि सुमिरन और स्मृति, इसमें शायद कहीं कुछ कमजोरी है। आनंद आ गया आज, सुषुम्ना नाड़ी का परिप्रेक्ष्य मुझे रोमांचित कर गया और मैं अपेक्षा करता हूँ आप भी आनंदित हुए होंगे। बालक के जन्मने से लेकर मृत्यु तक के इस वृत्तांत में हमारे विद्वान वक्ता डॉक्टर गोस्वामी ने जिस तरह से इस वर्णन को रेखांकित किया है, प्रणाम है सर आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।